करनाला सहकारी बैंक खाताधारक संघर्ष समिति के कार्याध्यक्ष इस वक्त प्रशांत ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। लंबे समय से उन खाताधारकों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा बैंक घोटाला है जिसमें जो मुख्य अध्यक्ष से विवेक पाटिल जी गिरफ्तार हैं, लेकिन अभी भी सभी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई बाकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश कर रही है। सर, आज की जो बैठक थी वो खासतौर पर किस लिए थी, इसकी और क्या स्टेटस है अभी? करनाला बैंक के घोटाले के माध्यम से पनवेल, उरन और रायगढ़ जिले के लगभग 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिटर्स है, इनके घर के ऊपर एक संकट आया हुआ। इस संकट से उनको बाहर निकालने के लिए, उनको राहत दिलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग इस घोटाले के खिलाफ, इसमें विवेक पाटिल को उनकी पार्टी ने तो सपोर्ट किया, जो आज महाविकास आघाड़ी की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इन्होंने भी उनको सपोर्ट किया हुआ। उसी की वजह से हमने 2019 से लड़ाई लड़नी शुरू की। फरवरी 2020 में मोर्चे निकालने के बाद में FIR दाखिल हुआ, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब तक स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है इसमें, इसकी वजह से जो शिकायत हमने 2020 साल के मार्च महीने में की थी और उसका फॉलोअप फिर कोविड के बाद में किया था, उसके बतौर उसकी वजह से विवेक पाटिल को 16 जून 2021 को अरेस्ट हुई है और फिर हाल ही में बैंक का लाइसेंस भी जब्त हुआ है। लेकिन उससे ज़्यादा राहत वाला मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार ने फिलहाल में ही संसद में जो कानून पारित करके लिया है, उस कानून के माध्यम से बैंक का घोटाला होने के बाद में बैंक के डिपॉजिटर्स को 90 दिन के अंदर उनके पैसे दिए जाए, ये जो रिजोल्यूशन पारित किया है, ये जो कानून बना है, इसके लिए खास करके नरेंद्र मोदी जी का हमने आभार प्रकट किया हुआ है, निर्मला सीतारामन जी होने दीजिए, और इसके लिए फॉलोअप करने वाले आदरणीय किरीट सोमैया जी, उनका फॉलोअप है कि उन्होंने 2019 से लेके इसमें हमको सपोर्ट किया विभिन्न स्तरों पर। RBI होने दीजिए, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होने दीजिए, गवर्नमेंट होने दीजिए, यहाँ पर उन्होंने जो फॉलोअप किया उसी का नतीजा ये है कि आज विवेक पाटिल सलाखों के पीछे है, और उसी का नतीजा ये है कि आज ये डिपॉजिटर्स है उनमें उम्मीद जगी है, उनको उनका पैसा वापस मिलेगा। हाईकोर्ट में खुद ही लिख के दिया गया था कि जो बड़ा घोटाला हुआ है कहीं ना कहीं संचालकों को इसमें जिम्मेदारी भी बनती है, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन आज भी वो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कौन जिम्मेदार है जो इनको, जो घोटालेबाजों को गिरफ्तारी से बचा रहा है? मुख्य रूप से तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार चलाने वाले तीनों पार्टियां हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, ये तीनों पार्टियों के सारे नेता और यहाँ पे पनवेल तालुका के सारे लोग जिम्मेवार हैं। आज भी आप अगर पनवेल में घूमोगे तो आप देखोगे कि विवेक पाटिल के बैनर पर फोटो आज भी सेका पक्ष के बैनर पर है और NCP के बैनर पर है, कांग्रेस के बैनर पर है, तो वो आज भी विवेक पाटिल को नेता मानते हैं। जो आदमी पिछले 65 दिनों से सलाखों के पीछे है कि उसने इतना बड़ा घोटाला किया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई ED के माध्यम से, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार उनको बचा रही, इसकी क्या वजह है? और इसकी एक ही वजह है कि इनको लोगों के दुखों से कुछ लेना देना नहीं है, इनको बस पैसे अटने हैं और पैसे अटने वाले विवेक पाटिल को सपोर्ट करना है। जैसे कि आपने आज आप लोगों ने खुले तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साफ तौर पर इसके लिए जिम्मेदार दिख रहे हैं, क्या वाकई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मामले में जिम्मेदार दिख रहे हैं आपको? 100% मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसमें जिम्मेदार है। हमने इस मामले में जहाँ जहाँ लेटर लिखना था कोऑपरेटिव कमिश्नर, कोऑपरेटिव सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, उनको लेटर लिखे, उनको इसके बारे में अवगत किया। विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे, इन्होंने भी इस मामले में मीटिंग ली है, तो इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी तक ज़रूर है। जब हम ये सारे तरीके अपनाने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हम विधानसभा के जो स्टेप्स है उस पर जाकर बैठे, तब कोऑपरेटिव मिनिस्टर हमको एश्योरेंस देने आए, उन्होंने एश्योरेंस दिया 1 हफ्ते में मीटिंग लेंगे, अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई। तो ये मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं, आज उन्हीं के नेतृत्व के होम मिनिस्टर ने विवेक पाटिल को पूरा प्रोटेक्शन दिया, आज तक एक चपरासी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। ये सारा घोटाला, ये बैंक का स्टाफ, बैंक के डायरेक्टर्स और विवेक पाटिल, इनके सिवा हुआ नहीं, इसकी पूरी जानकारी है। जब इस राज्य में 530 करोड़ का घोटाला होता है, न्यूज़ छप के आती है, अपोजिशन के MLAs आंदोलन करते हैं,
रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं और इसकी भनक अगर मुख्यमंत्री को नहीं लगती और लगने के बाद अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती तो मुख्यमंत्री इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उनका पूरा मंत्रिमंडल रिस्पॉन्सिबल है, रायगढ़ की गार्डियन मिनिस्टर और इनको सपोर्ट करने वाले महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं। आखिरी सवाल सर, आज आप लोगों ने भरोसा दिलाया है कि जो केंद्र सरकार ने नया रिजोल्यूशन पास किया है कि उसके जरिए जो 5 लाख से कम धनराशि के जो खाता धारक हैं उन इंश्योरेंस के जरिए ये पैसा मिले, किस तरह से आप उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं? ये सारे डिपॉजिटर्स जो हैं पनवेल उरण से ज़्यादा है, महाड़ से लेके पूरे रायगढ़ ज़िले के डिपॉजिटर्स हैं, कुछ लोग तो लोनावला के भी डिपॉजिटर्स इसमें हैं। इन लोगों की उम्मीद है सरकार से कि सरकार इसमें कुछ पहल करे, पर महाराष्ट्र की सरकार तो कुछ करते हुए नहीं देख रही। किरीट जी के नेतृत्व में हम पूरा अपना प्रयास करके जल्द से जल्द ये प्रोसेस पूरी हो और 2019 से लेके जिनको अपने पैसे निकालने थे नहीं निकाल पाए उन लोगों के लिए जो जो कुछ बन पड़ता है वो हम करके रहेंगे और दिवाली तक इन लोगों के पैसे मिलाने के पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि जो कनाला बैंक के खाताधारक हैं उनको अब केंद्र सरकार के नए कानून से कुछ राहत जरूर मिलने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि दिवाली तक जो 5 लाख से कम धनराशि जमा करने वाले खाताधारक थे उनको इंश्योरेंस के जरिए उनका पैसा मिल जाएगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।